है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, कोई इस पे दर्द नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, टांका ब्लेड पट्टी हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं होता। नहीं, मैं डॉक्टर राजीव चौधरी एंड मैं आंखों का डॉक्टर हूँ एंड मेरी स्पेशलिटी जो है वो है लोगों के चश्मे हटाना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं जा रहा हूँ अपनी लेजी का सर्जरी कराने के लिए। बहुत समय से सोच रहा था इसको कराने के लिए। एक्चुअली मुझे स्पेक्स लगाते हुए अराउंड 14 टू 15 इयर्स हो चुके हैं, तो मैंने सोचा अब करा लेता हूँ। मैंने जिस हॉस्पिटल को चूज किया उसके लिए मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था बेस्ट हॉस्पिटल दिल्ली NCR, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ तो दिल्ली NCR का ही डॉक्टर मुझे देखना था। सो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से करा रहा हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ शेयर करूंगा कॉस्टिंग के बारे में और पोस्ट सर्जरी जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा 10 टू 15 डेज के बाद, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो फिलहाल अभी मैं चलता हूं, बट घर से निकलने से पहले मैं लेता हूं और एक वाटर, क्योंकि ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके बारे में और डिटेल मैं आपको बताता हूं। ये 100% नेचुरल कोकोनट वाटर है जिसमें किसी तरह का कोई भी एडिशनल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, नो शुगर एडेड है। इसकी वजह से क्या रहता है, मैं फुल डे हाइड्रेटेड रहता हूं, चाहे मुझे बाइक चलानी हो के या कहीं पे भी जाना हो, सो मुझे किसी तरह की लो एनर्जी फील नहीं होती। ये आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करता है, इसमें किसी तरह के कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि ये फुल डे आपको हाइड्रेटेड रखता है, एनर्जी को बूस्ट करता है और आपको फुल डे किसी भी तरह की लो एनर्जी फील नहीं होगी। साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और आपको एक एक्टिव लाइफ स्टाइल देता है। जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला। ये क्या है, आजकल रेगुलरली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसकी वजह से मैंने इसको ट्राई किया और ट्राई करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग भी इसको यूज करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताएं। तो आप किसका वेट कर रहे हैं, आप भी लीजिए ऑरिक कोकोनट वाटर। ये एक न्यूट्रिशियस ड्रिंक के साथ में ही आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी और आपको फुल डे हाइड्रेटेड रखेगी। फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं, अभी 30 मिनट और लगेगा हॉस्पिटल पहुँचने में, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। जो मैंने हॉस्पिटल चूज किया है वो है I7 हॉस्पिटल बाय डॉक्टर राहिल चौधरी, वहाँ पे जाके कराऊंगा। इससे पहले बहुत सारी डिटेल है इसके बारे में, कैसे क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, वो सब आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं। थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा है कि नॉर्मल क्या स्पेक्स लगा के सब साफ दिखता था, बट इस बार हटवाने के लिए, इसमें भी क्या होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एज फैक्टर होता है किसके हिसाब से किस एज पे आपको हटवाना चाहिए कब नहीं हटवाना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें चेक करवाने के बाद मैंने डिसाइड किया स्पेक्स को रिमूव करवा ही लेता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है आपको दिखाता रहूंगा। थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा है, करंट टाइम में जो वेस्ट टेक्नोलॉजी है उसी को कंसीडर किया है हमने। फिलहाल अभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद आगे का आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। मैंने उनसे बात की थी, अंदर का भी दिखा देंगे आपको। तो मैंने जो चूज किया है वो ये है I7 हॉस्पिटल और कंटूरा विजन मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है। किसी का कंसंट्रेशन पूरी तरह से सिर्फ चिप्स के ऊपर है। मुझे प्रिकॉशन के लिए उन्होंने बस यही कहा था कि हेयर वगैरह वॉश करके आना, क्योंकि क्या होता है एक बार ट्रीटमेंट हो जाएगा ना उसके बाद 2-3 दिन सर नहीं धुल सकते, वो पानी वगैरह जाने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हेयर वॉश वगैरह करके आया था। एक ये आई ड्रॉप दी थी इन्होंने और बोला था कि एक दिन पहले हर 2 घंटे पे डालनी है और उसके बाद जिस दिन ऑपरेशन है उस दिन हर घंटे पे डाल, तो इसको मैं डाल रहा था। हाय गाइस, यू वांट टू से समथिंग? नो, आई से लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। ओला अमा ताले ताले ओ, ये दांत कहाँ चला गया आपका? वो चूहा आया था, चूहा ले गया। और आपने दिया क्यों उसको? अरे वो मांग रहा था बेचारे के पास खुद नहीं था। बहुत स्वैग में बैठे हुए हो। राजा हूँ मैं, राजा। नाम क्या है? रॉकी।
होती है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, कोई इसमें दर्द नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, टांका ब्लेड पट्टी हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं होता। एंड बस अभी आपका आधे घंटे में नज़र थोड़ा सा साफ होना शुरू हो जाएगा, कल सुबह तक आपकी नज़र बहुत साफ होगी और एक हफ्ते में आपका सुपरविजन भी आ जाएगा। ओके बस तो हम आपको दो बार चेक करेंगे, एक बार हम आपको कल चेक करेंगे, एक महीने बाद चेक करेंगे। ओके एंड इस प्रोसीजर का या कोई भी लेजर से हम चश्मा हटाते हैं तो मेनली इन सारे प्रोसीजर्स का एक ही साइड इफेक्ट होता है कि आंखों में थोड़ा सा ड्राइनेस आएगा, ओके सूखापन, और उसको ठीक होने में 1.5-2 महीना लगता है। सो 1.5-2 महीने तक हमें दिन में 4 बार अपना ड्रॉप्स डालना है। एंड बस कल से आप अपना बेसिक रूटीन शुरू कर सकते हो, लेकिन अभी एक हफ्ता थोड़ा सा गले के नीचे नहाएंगे, एक हफ्ता हमारी आंख में पानी ना जाए, थोड़ा सा धूल मिट्टी से बच के रहना है तो काला चश्मा पहनना है, एंड मोबाइल कंप्यूटर भी कल से यूज कर सकते हो लेकिन दिन के 4-5 घंटे। एंड एक हफ्ते बाद अपना सब रूटीन शुरू कर दिया, घूमना फिरना, नहाना धोना, 15-20 घंटे मोबाइल चलाना, घर के काम, ऑफिस के काम सब, और 3 हफ्ते बाद अपना सब कुछ कर सकते हो। मान लो कोई हैवी काम करना है, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल खेलना, एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो वो सारा 3 महीने बाद कर सकते हैं। ओके कोई बात नहीं। तो अभी जो हम जान डाल रहे हैं ये हम एंटीबायोटिक ड्रॉप और जेल डाल रहे हैं, तो ये जेल चला गया ताकि आंखें लुब्रिकेटेड हैं क्योंकि हमें ड्राइनेस भी चाहिए, और बस ऑपरेशन हमारा खत्म हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पता भी नहीं चला, बहुत जल्दी हो गया विद इन 10-15 मिनट्स में। सो अभी देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता आने वाले टाइम में, मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस ऑपरेशन का भी। ऑपरेशन हो गया है सर के साथ, सर बताइए आप अपने बारे में। नहीं, मैं डॉक्टर राहिल चौधरी एंड मैं आंखों का डॉक्टर हूँ, एंड मेरी स्पेशलिटी जो है वो है लोगों के चश्मे हटाना। तो बेसिकली दो तरह के ऑपरेशन होते हैं चश्मा हटाने के, एक हम लेजर विधि से करते हैं जिसमें सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन, जो सबसे बढ़िया ऑपरेशन है आज की डेट में, उसको कंट्यूरा विजन कहते हैं। तो हमने विनय का कंट्यूरा ही करा है, लेकिन कंट्यूरा सबके लिए नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी के चश्मे का नंबर ज्यादा हो, 8 से ऊपर है, आंखों में ड्राइनेस है, केराटोकोनस है, या कुछ किसी और तरह की प्रॉब्लम है जिसमें लेजर से ऑपरेशन कामयाब नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ICL से ऑपरेशन करते हैं। एंड लेजर ऑपरेशन मैंने दिखाई दिया, सारा काम लेजर से, पूरा ऑपरेशन लाइट से होता है और बाकी पोस्ट ऑप का प्रिकॉशन होता है। इससे पहले मैं आया था, मेरे सारे टेस्ट हो चुके थे, उसके बाद सर के साथ कंसल्ट किया था, तो इन्होंने कम्युनिकेट किया था कि आपकी आईज एकदम सही है और आसानी के साथ आपका कंट्यूरा विजन हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए, क्योंकि वो सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है, इसीलिए उसको चूज किया, और अभी 10-15 मिनट में हो गया फाइनली। एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि मैं कई सारे पेशेंट से ऐसे भी मिलता हूँ जिन्होंने अपना लेजर से चश्मा हटवाया होता है लेकिन उनके टेस्ट नहीं करे होते, वो बस जाते हैं और अपना चश्मा हटवा लेते हैं। ये बहुत गलत है क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं, अगर 100 लोग आएंगे चश्मा हटवाने के तो उसमें 30 लोगों का ऑपरेशन नहीं करना है, उनको चश्मा ही पहनना है। तो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद जब आपका डॉक्टर बोलता है कि आप चश्मा हटाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो तभी कराएं, और अगर आपका डॉक्टर बोल रहे हैं कि चश्मा पहनने आपके लिए बेटर है तो डॉक्टर की सलाह जरूर मांगें। रिव्यूज वगैरह देखने बाद YouTube पे और बहुत सारी वेबसाइट पे, तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ आपके यहाँ पे कराना है, और कल सुबह फॉलोअप के लिए आना है। फाइनली ये हो गया, अभी जा रहा हूँ घर। ऑपरेशन कराने के बाद घर आ चुके हैं, काफ़ी दूर था यहाँ से, I-7 हॉस्पिटल राजपत नगर, और मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। सो यहाँ पर आने में काफ़ी टाइम लग गया, बट रिलैक्स हैं अभी, ठीक है, किसी तरह का कोई पेन नहीं। मेडिसिन मैंने 2 बार डाल ली थी गाड़ी में जब आ रहा था, तब मेडिसिन जैसे डॉक्टर ने बताई है वैसे फॉलो करनी है। कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से चेकअप के लिए जाना है, तो वहाँ पर चेकअप कराएंगे, देखेंगे कल क्या। बट अगर मैं अभी देखूँ तो मुझे नॉर्मली सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। आइज मैंने ओपन कर रखी है, बस ये लगा रखा है, जिससे क्या है कि जो बहुत ज़्यादा शार्प लाइट है वो नहीं लग रही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अब जल्दी वीडियो जो बनाऊंगा उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अगर आप लोग आई ग्लास लगाते हैं तो क्या आपको ये सर्जरी करानी चाहिए, ये सब बातें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फुल हेल्दी रहने के लिए और एक कोकोनट वाटर को आज ही ऑर्डर करें, और इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं और एक की ऑफिशियल वेबसाइट से, इसके साथ में ही आप कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन पे भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।